वेलकम टू अवर चैनल फार्मेसी ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइन। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है ब्रेक डाउन होता है, जो कुछ भी लार्ज मॉलिक्यूल रहेगा, लार्ज स्ट्रक्चर रहेगा, वो स्मॉल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और कैटाकोलामाइन जो कि डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है, जो कि कैटेकॉल बोलते हैं, और एक अमीन ग्रुप उसमें जोड़ दो तो बन जाएगा हमारा कैटाकोलामाइन। अब हम लोग देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है इन साफ पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस द एक्शन ऑफ कैटाकोलामाइन्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। इन दिस प्रोसेस द पार्टिकुलर एंजाइम चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ कैटाकोलामाइन्स सो दैट दे डू नॉट इंट्रैक्ट विथ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर टू प्रोड्यूस इफेक्ट। इसमें कैटाकोलामाइन रहेगा और विभिन्न प्रकार के एंजाइम, जैसे कि कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है एंजाइम में, एमो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज तो प्रेजेंट होगा, तो उसमें कन्वर्जन हो जाएगा अनदर स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड में, फिर वो एनर्जिक रिसेप्टर में बन जाएगा। टू मेजर एंजाइम इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म। ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइन में दो एंजाइम है, एक है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज MAO मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज, और सेकेंड है हमारा कैटेकॉल ऑक्सी मेथाइल ट्रांसफेरेज। कैटेकॉल ऑक्सी मेथाइल ट्रांसफेरेज। अब हम वन बाई वन दोनों को देख लेते हैं। पहला है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज क्या है? एक एंजाइम, एज लगा है मतलब एंजाइम। तो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इज प्रेजेंट इन बट इंटरन्यूरॉन्स एंड एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स, ये हम लोग के प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट नहीं रह, यानी कि हम लोग के इंट्रान्यूरॉन और एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स में ये पाया जाता है। द टू टाइप्स ऑफ ऐसा एंजाइम मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इज प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल टिश्यू। ये हम लोग के पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल टिश्यू और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एमओ पाया जाता है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज ए और मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज बी, दो एंजाइम पाया जाता है। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज प्रोड्यूस डीअमीनेशन इज वेराइटी कैटाकोलामाइन्स एंड फेनाइल एथाइल अमीन। फॉर एग्जाम्पल मोनो अमाइन ऑक्सीडेज प्रोड्यूस करेगा डीअमीनेशन, मतलब अमाइनो ग्रुप, डी मतलब बाहर निकलना, अमीन मतलब अमीनो ग्रुप, तो ये हो जाएगा डी अमीनेशन, अमीनो ग्रुप का बाहर निकलना। तो ये हम लोग का सिंपल सा नॉर एड्रीनेलिन का स्ट्रक्चर है, ये हम लोग का स्ट्रक्चर है। यहाँ से मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज के एंजाइम प्रेजेंस है, तो यहाँ से NH2 डी अमीनेशन, मतलब डी अमीनेशन होगा इस रिएक्शन में, तो यहाँ पास से हम लोग का ये वाला हाइड्रो NH2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा, NH2 ग्रुप बाहर निकलेगा और यहाँ पास आकर ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 3-4 डाइहाइड्रोक्सी 1-2-3-4 चार पोजीशन पर हम लोग का हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 3-4 डाइहाइड्रोक्सी, और इस रिंग को बोलते हैं फेनाइल, तो ये फेनाइल, और इत्ता को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोएल्डिहाइड 3-4 डाइहाइड्रोक्सी फेनाइल ग्लाइकोएल्डिहाइड। और ये सेकेंड एंजाइम है हमारा COMT, जिसको हम लोग कैटेकॉल ऑक्सी मेथाइल ट्रांसफरेज, कैटेकॉल ऑक्सी मेथाइल ट्रांसफरेज बोलते हैं। इट इज़ ए साइटोप्लाज्मिक एंजाइम एंड कॉजेस मेथाइलेशन ऑफ D3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कैटेकॉल रिंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर विद द हेल्प टू द आइसो एंजाइम एस एडिनोस आइल मेथियोनिन एंड मेक द न्यूरोट्रांसमीटर इनएक्टिव। जो अब हम लोग का नार एड्रीनेलिन है, वो उसको एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एक बाहर निकाल कर मेथऑक्सी ग्रुप को जोड़ देगा। ठीक, तो ये सिंपल सा ये नार एड्रीनेलिन का स्ट्रक्चर है, ये हो जाएगा हमारा कैटेकॉल ऑक्सी मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और यहाँ पास का जो एक हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके यहाँ पास मेथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये देख लो, एच के जगह मेथाइल ग्रुप अटैच हो गया, बाकी हम लोग का सेम है, इसको हम लोग नॉर मेथा नेफ्रिन बोलते हैं,
और मेथानेफ्रिन बोलते हैं। यह हो गया हमारा कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइन। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और फार्मेसी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।